तो चलते हैं एक illustration में। दिस इलेक्टर इट इज गिवन ए नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ मास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स एक्स सो द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर रिलेटेड एज एम वैक्टर इज इक्वल टू क्यू 2m बाई टू एम मल्टीप्लाइडर एम इज द मैग्नेटिक मोवमेंट वैक्टर मैग्नेटिकोलर मोमेंटम एंड क्यू इज दबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस डिस्क के लिए वेरीफाई करते हैं अगर मैग्नीटूट की बात करें तो एम बाई एल इक्वल टू क्यू डिड बाई टू एम एम ओके सो लेट एस टेक डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर Rotating about its axis passing through the centroid like this. The angular velocity of the rotation of the disc is omega. If we observe from the top, the disc is rotating in the counterclockwise sense. Or the charge the charge is distributed at the surface of the disc, and this is distributed uniformly, and we are given the charge density is sigma. स्ट्रेक्चर को कंसिडर कर सकते हैं कि बहुत सारी कोएक्सियल रिंग से मिलकर बना हुआ है ऑल को एक्सियल सेम एक्स ऑफ रोटेशन एंड द रेडियस ऑफ द रिंग रेंज इज फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर तो यहां पर बहुत सारी को एक्सियल रिंग रोटेट कर रही है अगर कोएक्सियल रिंग्स रोटेट कर रहे, रहे होंगे अपनी एक्सेस के अबाउट तो वो जितनी भी को रिंग्स होंगी वो बना रही होंगी फॉर्म कर रही होंगी करंट कैरिंग लूप्स ओके क्योंकि रोटेटिंग लूप को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं करंट कैरिंग लूप सो हियर वी कैन कंसीडर ए नंबर ऑफ रिंग्स आर रोटेटिंग अबाउट द सेम एक्सिस फॉर्मिंग द करंट डिफरेंट डिफरेंट करंट कैरिंग लूब्स इसका मतलब जितनी भी हमारे पास रिंग्स है उनके अपने अपने डायपोल मोमेंट होंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होंगे और उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम होगा सो लेट अस कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस डी तो यहां पे मैं एक स्मॉल आर रेडियस की रिंग कंसीडर करता हूं जिसकी थिकनेस है डी अब ये सरफेस में मैंने कंसीडर की हुई है सरफेस में कंसीडर की हुई है तो इसके पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा और ये उस चार्ज के साथ रोटेट कर रही होगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कर लू तो डी क्यू इज इक्वल टू सिर्फ मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द रिंग इट इज नॉट द एरिया इन क्लोज इट इज द एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग अगर मैं इस एलिमेंटल रिंग को ओपन कर दू तो एक रेक्टेंगुलर स्टिप फॉर्म होगी इस तरह से

So, let us substitute the value of dA in this expression. So, this dQ is equal to sigma multiplied by 2 pi r multiplied by dr. Now, we can define magnetic moment of the ring because this rotating charge ring can be considered as a current carrying ring. So, here we can define magnetic dipole moment dm is equal to dI, dI is the equivalent current in the ring multiplied by area enclosed by the ring. Area enclosed by the ring means this area. This area enclosed is equal to pi r square. So, we can substitute the value of A here and di is the current in this elemental rotating ring and current in the elemental ring is equal to charge multiplied by frequency and charge of the ring is equal to dq. So, d i should be equal to dq multiplied by frequency. So, let us write d i multiplied by pi r square and d i is equal to current in the differential ring d i is equal to d q multiplied by f. f is the frequency of the rotation and we know angular frequency omega is equal to 2 pi multiplied by f that means f frequency of rotation equal to omega divided by 2 pi.

और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वी कैन कंसिडर इन नंबर ऑफ द रोटेटिंग रिंग्स आर रोटेटिंग रिंग हम लोग यहां पे कर सकते हैं कि बहुत सारी क्वेक्शल अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है स्ट्रक्चर का तो हमें करना होगा इंटीग्रेशन लेकिन सबसे पहले मैं यहां पे डी आई की वैल्यू सब्टीट्यूट कर लेता हूं सो लेट अस सब्टीट्यूट वैल्यू ऑफ डी आई इन दिस एक्सप्रेशन

रिंग इज रोटेटिंग इन द काउंटर क्लॉक और राइट हैंड टूल में हम लोग क्या करते थे कि करेंट की डायरेक्शन में राइट right हैंड की फिंगर को कल करते थे थम डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलॉसिटी है ओमेगा उसी डायरेक्शन में करेंट होगी ओके तो अब हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें इसे वेक्टर फॉर्म में तो वी कैन राइट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू वन बाई फोर पाई सिग्मा आर टू दावर फोर मल्टीपेड ओके जिस सेंस में रोटेट कर रहा है रिंग उसी सेंस में करेंट होगी और उसी सेंस में हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आएगी तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसे मैं लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में भी ओके okay? ये मेरे पास हो गया वेक्टर फॉर्म में

और हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो आ जाएगा एम वैक्टर इक्वल टू क्यू डिड बाई टू एम मल्टीप्लाइड है एम डिवाइडेड बाई एल इक्वल टू क्यू डिड बाई टूमी मोमेंटम डिवाइडेड बाई एंगम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई एंग इक्वल टू टोटल चार्ज इन द रोटेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय टू एम दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ द रोटेटिंग स्ट्रक्चर दिस इज वैलिड फॉर द स्पेयर सॉलिड स्पेयर हॉलो स्पेयर या किसी टाइप के स्ट्रक्चर के लिए भी हम लो, लोग इसे जनरलाइज कर सकते हैं ओके okay? जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट हैं उनका अगर हम लोग समेशन कर देंगे विल गेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड